नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो भाई बहुत लोग जो है मुझसे बार बार कमेंट में पूछ रहे हैं हेजलवुड, पेरेंड्रॉफ, ग्लेन मैक्सवेल कभी आएंगे, कभी से खेलेंगे, भाई हमको तारीख बताइए। तो इस वीडियो में भाई आप सभी को जो है, मैं आरसीबी के फ़ैन हो तो हेजलवुड, पेरेंड्रॉफ और मैक्सवेल भाई कब आएंगे, कब से खेलेंगे, सारी जो है आपको बता दूंगा डिटेल। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आईपीएल के फैन हो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बगल में आपको घंटी का बटन दिख जाएगा उसको भी याद से दबा दीजिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ी बातचीत कर लेते हैं विंजो के बारे में। भाई यहाँ पे जो है ना, आप लोग अपने क्रिकेटिंग नॉलेज का इस्तेमाल करके विंजो फैंटेसी पे अच्छे खासे पैसे जीत सकते हो। जैसे कि मैंने जो है भाई कल मैच हुआ था मुंबई और राजस्थान का, इसके अंदर बहुत अच्छे पैसे जीता हूँ। और आज का जो मैच होने वाला है भाई गुजरात टाइटन वर्सेज दिल्ली कैपिटल्स, इसके लिए जो अपनी टीम बनाऊंगा मैं सिर्फ और सिर्फ विंजो फैंटेसी पे, और अच्छे खासे पैसे जीतने वाला हूँ। अगर भाई आपको यहाँ पे टीम बनाने नहीं आती है तो बहुत सिंपल है, यहाँ के जो फैंटेसी के एक्सपर्ट है आप उनकी टीम को फॉलो कर सकते हो और उनकी टीम देख के लगा सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग अभी करते हो विंजो को इंस्टॉल हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से, तब आपको जो यहाँ पे डायरेक्टली ₹50 का कैश बोनस फ्री में मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, आप लोग जो है ना आपके जीते हुए पैसे डायरेक्टली पेटीएम बैंक या तो फिर जो है यूपीआई के माध्यम से विड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग जो है ना शुरुआत करने वाले हैं मैक्सवेल के साथ। आपको जो है भाई मैंने टेलीग्राम पे बता दिया है ऑलरेडी कि ग्लेन मैक्सवेल भाई पहुँच चुके हैं, आरसीबी की टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन जो ग्लेन मैक्सवेल है ना, वो कल के मैच के लिए अवेलेबल नहीं रह पाएंगे, बिकॉज जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो जितने भी मतलब कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर थे ना, जैसे कि पैट कमिंस, एरोन फिंच, मैक्सवेल, जितने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर थे, वो लोग भाई 6 अप्रैल के बाद अवेलेबल हो पाएंगे अपने अपने फ्रेंचाइज को लेके। लेकिन आरसीबी का मैच है 5 अप्रैल को, तो ग्लेन मैक्सवेल जो है भाई 6 अप्रैल के बाद ही जो है अवेलेबल हो पाएंगे आरसीबी के लिए। अब भाई बहुत लोग पूछ रहे हैं हेजलवुड किधर है, पेरेंड्रॉफ किधर है। तो भाई अच्छी खबर है, इसी हफ्ते में जो है जॉस हेजलवुड और जेसन पेरेंड्रॉफ जो है इसी हफ्ते में आ जाएंगे और आरसीबी की टीम को ज्वाइन कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आरसीबी के लिए हेजलवुड और पेरेंड्रॉफ कभी से अवेलेबल रहेंगे, ध्यान से सुनिए। हेजलवुड और पेरेंड्रॉफ जो है ना, जो 9 अप्रैल को मैच होने वाला है मुंबई और आरसीबी का, इस मैच के लिए हेजलवुड और पेरेंड्रॉफ अवेलेबल रहेंगे। तो भाई काफ़ी अच्छी बात है, 9 अप्रैल को हेजलवुड और पेरेंड्रॉफ मतलब अवेलेबल रहेंगे जो मुकाबला होने वाला है आरसीबी और मुंबई का। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, मैंने आप सभी को बता दी डिटेल में, इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग चाहे तो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।